नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला दृष्टि पे। और हम आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हैं एक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। टेस्ट नंबर 8 आप सब देख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट नंबर 8 जो हो गया आप लोगों का। टोटल 10 टेस्ट हम लोग हमने लेने का फैसला किया था, डिसीजन लिया था, जिसमें 8 टेस्ट जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। 2 टेस्ट बचा हुआ है जो आप लोगों को जल्द ही समाप्त होगा और सबका सॉल्यूशन एक एक करके आपको दिया जाएगा। तो पहले आप लोगों को 8वां नंबर टेस्ट का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई डिस्कशन होगा, कोई डाउट वगैरह होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। पहला आंसर सी। दूसरा है, किसी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है सक्रिय भार पर, एक्टिव मास पर। किसी यदि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री से 40 डिग्री हो जाए तो वेग कितना गुना बढ़ जाएगा? आपको पता है 10 डिग्री से बढ़ाने पर दुगना होता है, तो 10 से 20 करेंगे तो दुगना, 20 से 30 करेंगे तो 4 गुना, 30 से 40 करेंगे तो 8 गुना। तीसरा आंसर सी हो गया। चौथा, उत्प्रेरक मिलाने से वह क्या कम कर देता है? संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। चौथा आंसर बी। पांचवा है, ऊर्जा के जिस मान पर अभिकारक प्रतिफल में बदलता है, उस ऊर्जा के जिस मान पर, याद रखेगा आप लिखा हो, उसको देहली ऊर्जा के नाम से। छठा, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन शून्य कोटि का अभिक्रिया है। सातवां है, यदि अभिकारक का सांद्रण दुगना करने पर अर्धायुकाल आधा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला याद रखना आपको, टी हाफ समानुपाती होता है ए के पावर एन का, ठीक है? तो अर्धायुकाल के लिए फॉर्मूला होता है। तो कह रहा है कि सांद्रण को दुगना करने पर अर्धायुकाल आधा हो गया, आधा मतलब नीचे चला गया 1/2 में, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि हो गई द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हो, क्योंकि देखिए प्रथम कोटि शून्य कोटि का रहेगा तो ए का समानुपाती, प्रथम कोटि का रहेगा तो ए का पावर 0, द्वितीय कोटि का रहेगा तो ए का पावर -1, ए का पावर -1 का मतलब 1/a हो गया, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना? याद रखें द्वितीय कोटि के लिए टी हाफ समानुपाति होगा ए का पावर -1, ए का पावर -1 समझते होंगे 1/a, सांद्रण सीधे नीचे चला गया तो उधर किए हम दुगना, सांद्रण को किए दुगना तो देखिए अर्धा को अलाधा हो गया ना, मतलब 1/2 हो गया, इसलिए ये अभी द्वितीय कोटि का हो जाएगा। H2+Cl2 किस कोटि का अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि का अभिक्रिया है। 9 नंबर, किस कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है? अर्धायुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। 10वां है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अगर 10 मिनट है, टी हाफ 10 मिनट दिया हुआ है, तो 99.9% पूरा होने में लगभग 10 गुना का समय लगेगा जी, तो मतलब 10 का 10 गुना कितना हो गया 100 मिनट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या सही है? टी हाफ समानुपाती है, अभिक्रिया का वेग का आधा हो जाए, अभिक्रिया का वेग का आधा हो जाता है यदि सांद्रण को 4 गुना किया, देखिए सांद्रण को किए 4 गुना था वेग हो गया आधा, सॉरी सांद्रण को किए 4 गुना तो वेग हो गया आधा, यानी कि लिख सकते हैं 2 का पावर -1 हो गया 2 के पावर 2 है, तो उसे 2 कैंसिल, एक्स का मान -1/2 हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया के लिए वेग, देखिए वेग का मान डबल है, ए का सांद्रण इंटू बी का सांद्रण का पावर 1/2, करेक्ट कोटि क्या होगा? कोटि में खाली पावर जोड़ दी, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, 1+1/2 कितना हो गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल निर्भर नहीं करता है, अर्धायुकाल किस पर निर्भर नहीं करता है भाई? सांद्रण पर, वेग स्थिरांक पर, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, बाकी वेग स्थिरांक पर तो निर्भर करता है, वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, ये दोनों तो आंसर होंगे। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% पूरा होने में 20 मिनट लगता है, तो करें इसका अर्धायुकाल कितना होगा? 10 मिनट हो जाएगा, 75% में 20 मिनट, तो उसका आधा कर देना अर्धायुकाल। 16 नंबर, कौन प्रबल अवकारक है? प्रबल अवकारक आयोडीन है, अगर ऑक्सीकारक पूछता तो फ्लोरीन हो जाता, अवकारक है तो आयोडीन। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन पायस है? पायस तो मक्खन है जी, दूध और मक्खन ये दोनों पायस होता है। तेल में जल, याद रखना तेल में जल यानी कि वसा मात्रा, वसा की मात्रा ज्यादा हो, वसा में जल
तो मक्खन में होता है ना वसा की मात्रा ज्यादा, तो 18 का आंसर ही हो गया। 19 है, कुहासा किस प्रकार का? कुहासा आपको बताया था कि गैस में जब लिक्विड ऊपर से ओस जब गिरता है ना महीन महीन गैस के ऊपर में, तो ये कुहासा बनता है, मतलब गैस में द्रव हो गया। 19 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात कर ले तो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्याही किस प्रकार का फ्लूइड? स्याही कैसे बनेगा? जब पानी में पाउडर डालेंगे, मतलब द्रव में ठोस डालेंगे, तो द्रव में ठोस का। 20 का आंसर सी। ठीक है, किसका कोलाइडिविलियन नहीं बनता है? किसका कोलाइडिविलियन नहीं बनता है? तो गैस गैस का कोलाइडिविलियन नहीं बनता है, क्योंकि मिश्रण समांग हो जाता है। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? सीएफसी भी करता है, एनओ भी करता है, फ्रियोनो, मतलब सब हो गए हैं। 23 नंबर है, सेल अभिक्रिया अपने आप होती है कब? जब डेल्टा जी ऋणात्मक हो, गिब्स ऊर्जा माइनस में हो। कोई भी घटना अपने आप होने के लिए डेल्टा जी का मान माइनस में होना जरूरी है, याद रखिएगा। बिलियन का चालकत्व, चालकत्व मतलब विशेष चालकत्व, किसका समानुपाती होता है? आयनों की संख्या। जब 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक बहती है तो उसको एक कूलम के नाम से जानते हैं। ऐसे भी जानते हैं 1 एम्पीयर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। वही कह रहा है 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक बहेगी तो समझ जाए 1 कूलम आवेश पार कर गया, उसको कूलम। किसी पदार्थ का एक तुल्यांक दे दिया, मतलब 96,500। कौन अच्छा सुचालक नहीं है? कौन अच्छा सुचालक नहीं है? तो अल्कोहल, क्योंकि सारे के सारे वैद्युत अवघट है, जो वैद्युत अवघट होते हैं वो विद्युत का सुचालक होता है। यह आसानी से जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि वैद्युत अवघट नहीं। लवण से तुम्हें क्या उपस्थित रहता है? तो KNO3 भी रह सकता है, KCl भी रह सकता है, जो मतलब आयनिक यौगिक रहेगा कोई भी। आंसर डी होगा, सब तो आयनिक ही दिया हुआ। 29 नंबर, लवण सेतु के द्वारा क्या प्रभावित होता है? आयन प्रभावित होता है लवण सेतु के द्वारा। बिलियन को तनु बनाने पर किसका मान बढ़ता है? मोलर चालकता का भी मान बढ़ता है, तुल्यांकी का भी बढ़ता है, मतलब आंसर सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो 30 का आंसर सी हो गया। अगर 31 की बात करें तो कह रहा है डायोड बनाया जाता है किसके द्वारा? सिलिकॉन से बनता है डायोड। सीजियम क्लोराइड की संरचना BCC के जैसी होती है। 32 का आंसर बी। कौन प्रबल ऑक्सीकारक? देखिए इसके पिछले जो टेस्ट हुआ था उसमें अब कारक दिए थे, इसमें हमने ऑक्सीकारक पूछा था, याद रखा फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। 33 नंबर। 34, यदि ए से बी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो ए का सांद्रण दुगना करने पर, द्वितीय कोटि मतलब समझ रहे हैं ना, वेग बराबर हो जाएगा K × A के सांद्रण का स्क्वायर, तो सांद्रण को कीजिएगा दुगना, तो दुगना 4 गुना हो जाएगा, ये वेग हो जाएगा 4 गुना। शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक का मात्र क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है शून्य कोटि के लिए। इसको ऑप्शन सुधार ए है, ए बी, ठीक है, ए बी सी डी। फिर 36 नंबर क्वेश्चन, कार्बाइल एमीन परीक्षण, याद रखना प्राइमरी एमीन के लिए होता है, किसमें SN1 अभिक्रिया तेजी से होती है? टर्शियरी में, SN1 टर्शियरी में सबसे ज्यादा होता है, याद रखना ये टर्शियरी हो गया। इसको आप अलग अलग करके लिखेंगे ना तो पता चल जाएगा। कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंस्करण क्या होता है? SP2। कार्बोनिल समूह ही है, सी डबल बॉन्ड और ये, इसी को हम लोग कार्बोनिल समूह बोलते हैं, इसमें प्रसंस्करण SP2 होता है। फिनॉल की अभिक्रिया जस्ता से कराने पर, आपको पता होगा फिनॉल का अभिक्रिया अगर जस्ता से कराएंगे तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, फिनॉल बेंजीन में बदल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन की जांच यानी कि परीक्षण किस विधि से होता है? तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों मीन का रहता है, याद रखना हिल्सबर्ग विधि हो जाएगा इसका। 40 का आंसर डी। 41 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगर 41 में देखिए डाइजोनियम लवन जल से रिएक्शन करवा रहे तो फिनॉल ही बनेगा, फिनॉल है, यस फिनॉल हो गया। और क्वेश्चन नंबर अगर 42 की बात कर ले तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है फिनॉल दिया हुआ है, NaOH दिया है, क्लोरोफॉर्म दिया है, फिनॉल का क्लोरोफॉर्म NaOH रहा तो समझ जाना ये रीमर टिमन अभिक्रिया और रीमर टिमन का प्रतिफल होता है सैलिसल्डिहाइड, आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमने ऑर्गेनिक का देने का कोशिश किया है। इस सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से एक बार बना लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ लेंगे और कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो क्वेश्चन पे कमेंट जरूर कीजिए।